Hey guys, welcome back to my new vlog. तो भाई मैं अभी भाई टोटा सिलिंग में हूँ और भाई अभी मैं वेट कर रहा हूँ आज की व्लॉग की स्टार्टिंग. भाई ठीक मैं घर के ऊपर से कर रहा हूँ, ऊपर वाले घर से. वहाँ से आ रही भाई एक बस जिसमें हमारा सामान है. भाई ऊपर कोसानी चले गया था, अल्दानी में हमारा थोड़ा सा सामान छूट गया था. तो भाई लोगों ने होता क्या है ना अपने पहाड़ों में, यहाँ पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता. भाई आपका सामान जो भी होता है आप हल्द्वानी से अपने गांव में भिजवा रहे हो या कहीं पे भी भिजवा रहे हो तो आप बस में सिर्फ ये बता देना अपनी एक प्यारी सी दुकान. तो एक प्यारी सी दुकान बताने के बाद भाई वो उस सामान को वहाँ रखवा देते हैं. 6 किलोमीटर भाई इन्होंने 15 मिनट में निपटाई और ये अपना सामान आ चुका है. भाई ये छूटा हुआ था 3 दिन से हल्द्वानी में और आज फाइनली आ चुका है दोस्तों. बहुत बढ़िया. तो आप चलते हैं इस सामान को लेकर ऊपर. जैसे मैं लेकर आया ऊपर और इनको दिखाया मैंने आंटी जी को, तो भाई आंटी जी को शॉक लग गया भाई ये पहली बार. तो भाई पूरी टीम आ चुकी है भाई अपने ग्रुप की और ये भाई अपने दीपक भाई इनके यहाँ के वो है क्या हुए घुमाने वाले, क्या कहते हैं इनको, गाइड करने वाले कि कहाँ जाना आज कहाँ नहीं जाना. अः बॉडी दिखाने में कुछ नहीं होगा भाई. क्या नाम है तेरा? पौआ. अच्छा पौआ क्वार्टर. और तुम्हारा नाम क्या? तेरा भाई? मेरा मोनू. ये मोदी भाई आज हमारे टीम में कितने लौंडे होने वाले? 1, 2, 3, 4, 5 अपना दीपुआ. तो भाई आज की जो कैंपिंग होने वाली है, आज पिसू मैंने ले लिया है, मैं भूल गया था घर में. ये पिसू क्या होता है? आटा. आटा आटा हो गया है. बोलो जय पापा की. बर्तन हो चुके हैं. जय पापा की. और ये सामान हो चुका है पापा की. और भाई मेन चीज है ये बर्तन. जय पापा की. और भाई ये एक और सामान भूटान ही गए थे भूटान. और ये है गोभी पापा की. जय पापा की. मैं ऐसी फाड़ जाऊंगा ये. और ये पानी रोड पार. बोलो जय पापा की. चलो जंगल. तो गाइस अभी हम वहां को जा रहे हैं जहाँ से भाई लेपर्ड की एंट्री होती है. पता नहीं क्या हो गया इन भाई लोगों को, ये ज्यादा से ज्यादा डीप लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं हम मेरे को. जय बाबा की. क्या कह के इन्होंने ना बाबा की बोल कर रहे हैं. हेलो नमस्कार, कैसे हैं? तो गाइस ये है एक बंदा वो ऊपर चढ़ा हुआ, ये बंदा दूसरा और ये तीसरा उसके बगल में. जस्ट दो बंदे यहाँ से जा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भाई एक स्रोत जैसा आ रहा है जिसमें कि भाई ऊपर से पानी आ जा रहा है. और ये पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है अकॉर्डिंग टू नीचे वाला पानी जो रुका हुआ होता है, जो लोगों के नीचे वहाँ पे रुका रहता है वो पानी बहुत गंदा होता है. लेकिन ये जो स्रोत पत्थरों के बीचों से निकल के आ रहा है बहुत अच्छा होता है पानी. बाकी अभी देखो हम बहुत दूर आ चुके हैं जंगलों के बीचों बीच और यहीं पर भाई लेपर्ड टाइगर का और जंगली जानवरों का घर है. भाई क्या दिखाता भाई क्या हुआ? अरे भाई क्या कर दिया तूने? ऐसा क्या होता है? लीसा. अरे लीसा है मेरा. कुछ कर दिया तूने यार. दीपक भाई थोड़ा और ऊपर बुला रहे भाई. अरे भाई ये क्या है? जॉग ने नहीं काटा होगा यार. जॉग क्यों होगी यार यहाँ? जॉग नहीं काटा है भाई ये. तो जॉग तो फिर हमारी भी लगने आ रहा था. बट चल देख मैं जूते पहन के इसीलिए बोला था भाई जूते पहन के चलते हैं. तो यहाँ पे जॉग तो इसको धरती में गाड़ने हैं? नहीं गाड़ने नहीं बता. तो गाइस हम फाइनली पोजीशन पहुंच चुके हैं. भाई ने बताया कि ये सबसे बढ़िया अच्छी जगह है और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं टेंट. तो भाई मैंने बहुत बार टेंट दिखाया कैसे लगाते कैसे नहीं, एक बार फिर से दिखा देते हैं क्योंकि आज हम कैंपिंग के साथ साथ जंगल में हम मेकिंग बहुत अच्छी चीज बनाने वाले हैं और क्या बनाएंगे हम सब कुछ दिखाएंगे और मजा आने वाला भाई. भाई होता क्या है ना दोस्ती यारी में हमेशा या तो अच्छा ही बनता है इंसान या तो बर्बाद होता है. भाई मैंने थोड़े से पैसे क्या लिए थे भाई बंदे ना भाई पूरा का 2,500 का. मैंने बोला था कि रेंट देना बस इसका मैट का बहुत सारी चीज़ें ली थी बस 2,000 रुपये और दो मेरा 2,500 का टेंट पूरा जला के दिया भाई ने. और उसके बाद भी भाई ने बोला कि भाई 100-200 तो लगेंगे. हुआ ये कि भाई हमारे पास कुछ था नहीं है खोदने के लिए, थोड़ा सा खोदना पड़ता है क्योंकि आग इधर उधर ना फैले क्योंकि बगल अगल में बहुत पिरुल है जिसके चक्कर से भाई जो होता नहीं आग बहुत जल्दी पकड़ता है. उसे खोद लेता हूँ है जिससे कि भाई ये जो अपना ब्यूटेन गैस है और ये यहाँ पे रख सके. थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा बस. तो गाइस हमने फाइनली अपना ये जो बनाना था हमने बना दिया है थोड़ा नीचे की तरफ को और इसके ऊपर हमारे थोड़े बर्तन आ जाएंगे. थोड़ा सा हम अगल बगल में पत्थर भी रखेंगे ताकि आज बाहर को ना जाए. और हम मोमोज बनाने वाले हैं और मोमोज
एक तरीके के नहीं होने वाले है, अलग अलग तरीके होने वाले है, रंगीन होने वाले है, मडवे के होने वाले है, राइस के चावल के आटे के होने वाले है, और नॉर्मल आटा होता है वीट का आटा होने वाला है। ये भाई फर्स्ट आटा है, हम नाम नहीं बताएंगे, आप गैस कर लेना खुद फर्स्ट आटा कौन सा है। तो गाइस एक मटेरियल, दो मटेरियल, तीसरा मटेरियल, तीसरा और चौथा और लास्ट है शायद ये, इसके बाद पता नहीं मेरे को। और ये भाई अपना चार ही है, चार ही गूंदेंगे ना, एक हम फ्राई करेंगे ना, एक फ्राई करेंगे, उसको फ्राई करेंगे। ओह आई सी आई सी। तो गाइस हमारे चार तरीके के आटे गूंद चुके हैं, और जो पांचवा होने वाला है वो इनमें से ही भाई सबके सबको एक एक, वो सब में से एक एक फ्राइड कर देंगे। और ये भाई तो सो गया भाई, सच में मैंने बोला था इन लोगों के कैंपिंग में बहुत आलस आता है, काम करना पड़ता है खुद से, मम्मी नहीं आती भाई कैंपिंग में, मम्मी पापा नहीं आती, और ना ही हमारी मम्मी पापा बुलाती है, अरे भैया लेट हो गया करके। तो भाई देख ना कोई बुलाता है, ठीक हो गया भाई, पापा भी नहीं बुलाते ना मम्मी बुलाती है। अच्छा तो भाई भाई देख लो, दो भाई लोग लगे हुए, एक भाई तो सोया हुआ, छोटा वाला भाई हमारे लिए मौज मस्ती के लिए है। हमारा ड्रोन उतरने जा रहा है अब। ये तो सुनो फिर, मैं तो भारी रहा बेटी ले ले दादा, मसाला जल गया भाई, ये देखो मसाला बना रहे भाई लोग अब। तो गाइस भाई अब तैयार हो रहा है मोमोज की फिलिंग करने का सामान, जो हो गया वो तैयार हो चुका है, देख लो ये स्टफिंग है भाई, भाई ने स्टफिंग बनाई है, दीपक भाई ने, वो जय बाबा की है, जय है बाबा की। अरे मत करो यार माँ का समय, अब इसमें कोई गलत। तो गाइस आपने कैंपिंग में बहुत सारी चीजें देखी होगी बनते हुए भाई, लेकिन आज कुछ अलग बनने वाला है। उत्तराखंड के जंगलों में, कौसानी के जंगलों में बीचों बीच भाई लोग बना रहे हैं मोमोज। तो एक मोमो भाई, एक इसका बन चुका, एक इसका बन चुका है भाई, ये देखो भाई ये है फीलिंग्स हमारी। दोनों रोहित ही हो, दोनों रोहित है, दोनों क्या कह रहे हो, क्या बताओ, कोई और भी आया था हमारे अलावा यहाँ, मतलब हमारे अलावा कोई और भी आ सकता है, मतलब ये तो इन इन बच्चों का गाँव हुआ तब तो ये आ रहे हो, अब और कौन आ रहा है यहाँ, हल्द्वानी से यहाँ कैसे आ रहे होंगे यार लोग भयंकर। अरे यार देख रहे हो यार दीपू भाई, तू मतलब क्या, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो जो लोग आए थे उनके साथ लड़की भी थी और बच्चे भी थे, दो बच्चे, एक छोटा बच्चा था, एक हाँ थोड़ा बड़ा होगा। अच्छा अंकल जी बोले कि भाई वहाँ पे करी थी कैंपिंग और भाई वहाँ पे लड़की भी थी, और मतलब वो लोग डांस भी कर रहे थे, लड़की भी डांस कर रही थी, पता नहीं क्या बना रहे थे। अच्छा वो कितना बड़ा टेंट था, बड़ा टेंट था हमारे से, इससे तो आपसे तो बड़ा ओरिजिनल लाए थे वो, ये तो ओरिजिनल ही हुआ लेकिन कम पैसे का है, अरेंज कर रहे थे वो बगड़ से, वही इतना चिपका मत यार इनको, क्लोज मत रख, दूर दूर कर, और इस कोने पे मत लगा, तूने साइड में तेल का ऑयल दे तो साइड में सब लगाया मैंने अभी यार। तो दोस्तों 5-10 मिनट हो चुके थे, देखते हैं मोमो का क्या हाल है, क्योंकि भाई गैस पूरा चल रहा है एकदम तेजी तरीके से, और देखते भाप भी बहुत ज़्यादा निकल रही थी, इसको चेक करते हैं कि मोमो कैसे हैं। ओह ओह माय गॉड, इसमें से यूज़ कर लेना, चलते हैं खाली भयंकर, जा रहे हो तुम, हाँ जाना पड़ेगा, राइड मोमो एट अ जंगल, देख रहे हो दोस्तों कितने क्रिएटिव है हमारे दीपू भाई, और ये देखो भाई आप कुछ नई डिश बनाने वाले, एक सीधे में बना, सीधे में बना, सीधे में। तो भाई लोग कैसी लग रही बिरयानी, हाँ भाई कब बनाया ये, अभी, और इसी से पेट भर रहा ना वैसे, मोमो तो टेस्टिंग के लिए थे भाई, टेस्ट करा उसको बहुत बढ़िया लगा, और भाई जंगल में इतने मोमो बनाना भी बहुत बड़ी बात है। तो गाइस ऑलमोस्ट जहाँ पे हमने कैंपिंग करी थी भाई, हमने पूरी की पूरी सफाई कर दी, बस वो आटा का जो गोंदा था वो छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे गाय भैंस आती रहती है और जानवर भी आते रहते हैं, तो यहाँ पे खा लेंगे, और सब कुछ हमने साफ कर लिया, मेनली पूरा पूरा साफ कर लिया, देख रहे हो, चलते हैं अब यहाँ से भाई, पूरी सफाई हो गई थी और बढ़िया मज़ा आया भाई कैंपिंग करने में, डे कैंपिंग थी आज का, यहाँ का थोड़ा मौसम देखा मैंने, देखा क्योंकि मैंने सोचा कि रात में आने से पहले मैं यहाँ पे डे कैंपिंग कर लूँ, तो हमने कुछ अलग करा डे कैंपिंग में भी, और अभी हम बहुत तगड़ी ट्रैक कर रहे हैं जो कि 1.5-2 किलोमीटर का होने वाला, नीचे जाने वाला। तो गाइस भाई ये जो जंगल है बहुत आसान नहीं है, इसकी जो लंबाई है एकदम बहुत तगड़ी है, और अभी एक बच्चे के हाथ से, मतलब वही जो बच्चा हुआ था उसके हाथ से पूरा सामान छूट गया, और देख और मेरे बर्तन जा चुके हैं, ताकि ये भाई ये चम्मच ये अंदर डाल दे इस पन्नी के, सब उसमें नहीं है यार,
अभी तो डेक चले गया था, तू क्यों नहीं गया ये बता, तू डेक तो डेक तो फेंक गया था, तू नहीं गया। तो गाइस यही जगह थी जहाँ पे सूफी हमारा डॉग जो है बंधा हुआ था, और जब भाई रेस्क्यू करा हमारे दीपक भाई ने, बंदा नहीं रहता है यहाँ, बंदा नहीं रहता है, रात को थोड़ी बंदा रहता है, मतलब डॉगी खुला था। अरे माई गॉड, तो फिर क्या हुआ था, मतलब बाघ क्या यहाँ से कैसे भागा, कब जब इसको पकड़ा परसों? हाँ वो तो अलग बात है, और वो वाली बात बता जो मैं तुझे अभी बात बता रहा था ना। हाँ वो बात क्या है मैं बताऊँ। हाँ एक दिन ऐसी था, मतलब शाम को मैं ये मेरा जो रेलिंग करवाई अभी करवाई है, तो पहले आया हुआ था। हाँ नहीं था, नहीं था, तो ऐसे टाइम पे पहले पहले मैंने ये करवा के शाम को भेजा घर, उसने बोला तो खाना दे देना, ठीक है, उसने बोला कि तुम मेरे को खाना दे देना अभी शाम का, मैंने कहा ठीक है मैं बना लाऊंगा। तो मैं जस्ट लाइक ऐसे 8:30 हो रहा था, तो मैं खाना मतलब खाना वहाँ से ला रहा मैं ऐसे ऐसे घर पे से आया मैं नॉर्मली मेरी आदत है टॉर्च लेके आऊंगा, मेरा टॉर्च भी सही है, ऐसे मारते रहता हूँ मुझे, सही है ऐसे मारा, तो वहाँ पे ये सामने पे तो जिस बगल पे उसके दो बाघ ऐसे मैंने टॉर्च लगाया, मतलब बाघ वाला कौन सा, टाइगर वाला है, लेपर्ड वाला, एकदम से पूरी स्किन थोड़ी दिख रही थी। हाँ। ये टॉर्च तेरा वाला सही है ना, इससे पूरी स्किन भी दिख जाएगी, बट उससे खाली सिर्फ आंखों पे लगा था, आंखों में लगता है। तो मैं यहाँ पर से मैं देखा लगाया रहा, ऐसे ये ऊपर दो सीढ़ी ऊपर चढ़ा, फिर मैंने ऐसे लगाया यार ये बाघ ही है क्या करके, देखा तो भाई चार आंखें तो चमकी, दो मैंने दो बाघ है, टॉर्च बंद किया एंड मैं ऐसे खड़े हुआ, देखिए ऐसे खड़े हुए, मैंने कहा यार बाघ नहीं है, फिर मैंने ऐसे लगाया तो वो यहाँ पे आ गए, बैंग सीधे मुंह के सामने, मतलब तेरे सामने नहीं आ रहे, वो दूर जा रहे थे, नहीं वो मेरे सामने आ रहे थे, अरे पर दूर थे, फिर यहाँ पर आगे गिरा हूँ, अरे बैंग सामने ही ठीक सामने मैं ये खड़ा हूँ और ये दो बाघ ये खड़े थे, अरे बैंग। तो मैं